ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और एक और बड़ी खबर आपको दे दें। कोरोना की जांच पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सक्षम लोगों से 4,500 तक ले सकते हैं। देखिए, इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था उसमें सरकार से कहा गया था कि इस तरह का वो निर्देश जारी करें कि पैसे ना लिए जाएं, लेकिन अब सक्षम लोगों से 4,500 4,500 रुपए तक लिए जा सकते हैं। दरअसल 4,500 तक की रकम कोरोना जांच के लिए प्राइवेट जो लैब्स हैं वो ले रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन इस बीच में ये बड़ी खबर आपको ये दे दें कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कि सक्षम लोग जो कैपेबल हैं, जो इतने सक्षम हैं कि इस रकम को चुका सकते हैं, दे सकते हैं, वो पैसे दें। आयुष्मान योजना में आने वालों की मुफ्त में जांच होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको दे दें। और पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां सभी को राहत थी, वहीं अब ये निर्णय है कि जो सक्षम है वो पैसा देगा और जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत आते हैं उनको मुफ्त में उनकी ये जांच होगी। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो आते हैं, जो कार्ड धारक हैं, उनको एक भी रुपया नहीं देना होगा। जो प्राइवेट लैब्स हैं उनमें भी कार्ड के जरिए मुफ्त में उनकी जांच होगी, उनका सैंपल लिया जाएगा, लेकिन जो सक्षम लोग हैं उन लोगों को 4,500 रुपए खर्च करने होंगे। यानी कि प्राइवेट लैब में, अगर प्राइवेट लैब से अगर आपको जांच करवानी है तो उसके लिए पैसे देने होंगे। अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, आप सक्षम नहीं हैं, अगर आप सक्षम हैं तो फिर तो आपको पैसा देना होगा, और अगर आप सक्षम नहीं हैं, आयुष्मान कार्ड आपके पास है भी या अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम दिया गया है, अटल आयुष्मान इस तरह की इस योजना के जो नाम है, इस तरह के जो कार्ड हैं अगर वो हैं, तो आपको निजी लैब में पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन अगर आप सक्षम हैं तो फिर आपको पैसे देने होंगे। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। दरअसल इसको लेकर क्रिटिसाइज बहुत किया जा रहा था, सवाल बहुत उठाए जा रहे थे कि इतनी मुश्किल स्थिति है, हमारे देश में पहले से ही संख्या बड़ी कम है निजी लैब्स की, और ऐसे में वहां पर लोगों को जाकर पैसा देना पड़ रहा है। एक और बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से बैठक करने वाले हैं, आज फिर से बैठक करेंगे, शाम को एक और बैठक। देखिए, टीम 11 के साथ बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अब एक और बैठक करेंगे, सूचना मिल रही है। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे, तो आज शाम को एक बार फिर से ये बैठक की जाएगी। लगातार बैठकों का दौर तो चल ही रहा है, अपनी टीम 11 के साथ बैठक करें, लेकिन इस बीच में जानकारी मिल रही है कि मुख्यमंत्री बैठक करेंगे फिर से डिप्टी सीएम के साथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। लगातार दूसरे दिन मुख्यमंत्री की ये मीटिंग है और डिप्टी सीएम के साथ उनकी मीटिंग होने वाली है। लखनऊ से ये जानकारी हम आपको दे दें, आज टीम 11 के साथ बैठक हुई है, पीलीभीत की काफी सराहना हुई है, क्योंकि पीलीभीत अब वो जिला बन गया जहां पर एक भी कोरोना का पॉजिटिव केस अब नहीं है। दो पॉजिटिव केस आए थे, वो ठीक हो गए, लेकिन इससे इतर भी बहुत विषयों पर बातचीत हुई है, तो उससे इतर भी टीम 11 के साथ तो बैठक कर रहे हैं, अब वो मंत्रियों के साथ जो डिप्टी सीएम है, दोनों डिप्टी सीएम के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से दे रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को फिर से बैठक करने वाले हैं और ये बैठक उनकी है दोनों डिप्टी सीएम के साथ। शैलेश अरोड़ा संवाददाता और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे अब। शैलेश, इस बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई? लगातार बैठकें चल रही हैं, दोनों डिप्टी सीएम बताया जा रहा है कि मौजूद रहेंगे, और कौन कौन मौजूद रहेंगे और क्या एजेंडा रहेगा इस बैठक का? देखिए राजीव, सबसे पहले एबीपी गंगा ने कल ही इस बात का अंदेशा जताया था कि जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ में, दोनों डिप्टी सीएम के साथ में बैठक की है, उसी तरह से एक बैठक आज फिर से की जा सकती है, और उस आज फिर से मुख्यमंत्री ने इसी तरह से बैठक को बुलाया भी है। और जैसा कि पहले से ही अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का भी संदेश आना है, लॉकडाउन 14 तारीख को खत्म हो रहा है, यानी कल अंतिम दिन है लॉकडाउन का, और इसके बाद आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है कि कल सुबह 10 बजे वो देश के नाम अपना संदेश देंगे। उससे पहले योगी सरकार भी अपनी पूरी तैयारी कर रही है कि किस तरह से प्रदेश में आगे क्या व्यवस्था करनी होगी, किस तरह से
आगे की रणनीति बनेगी इन चीजों को लेकर। इसी क्रम में कल जब पहली बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने उसमें समीक्षा की और चर्चा की, अलग अलग 11 कमेटियों का गठन किया कि कैसे जो निर्माण कार्य, खासतौर से जो मेडिकल कॉलेज है या बाकी निर्माण कार्य बीच में रुके हुए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है शैलेश, यानी कि आज फिर से जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो कल लॉकडाउन का आखिरी दिन है, उस संबंध में बताया जा रहा है कि कुछ इसमें कुछ चिंतन मंथन होगा, कुछ विशेष निर्देश भी दिए जा सकते हैं।